वो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम इस समय अपनी आने वाली फिल्म एक विलन रिटर्न्स के प्रमोशन में बिजी हैं। जॉन अब्राहम की पिछली कई फिल्में कुछ खास नहीं चली है। अब उनका कहना है कि वह OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्में नहीं देख सकते क्योंकि वह बड़े पर्दे की हीरो है। हालांकि जॉन अब्राहम ने ऐसा कहते हुए यह भी कहा कि OTT स्पेस को वह काफी पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एक प्रोड्यूसर के तौर पर जो OTT मुझे पसंद है लेकिन एक एक्टर के तौर पर नहीं। मैं इस मीडियम और उसकी ऑडियंस के लिए फिल्में बनाता हूं लेकिन एक एक्टर के तौर पर मैं केवल बड़े पर्दे पर ही रहना चाहता हूं। बता दें कि जॉन अब्राहम प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने 2012 में फिल्म विकी डोनर प्रोड्यूस की थी जिससे आयुष खुराना ने डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 2013 में मद्रास कैफे को प्रोड्यूस की थी जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी। जॉन अब्राहम ने कहा कि वह नहीं चाहते कि लोग उन्हें 299 या 499 रुपए महीने देकर अपने छोटे स्क्रीन पर देखे। जॉन ने यह भी कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगेगा जबकि घर पर कोई उनकी फिल्म देखते हुए बीच में ही रोक देगा। जॉन ने कहा कि वह बड़े पर्दे की हीरो है और हमेशा वही रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं अब वही फिल्में करूंगा जो बड़े पर्दे पर रिलीज होंगी। मैं नहीं चाहता कि कोई अपने टैबलेट पर मेरी फिल्म रोक कर वॉशरूम करने चला जाए। इसके अलावा मैं 299 या 499 रुपए महीने के लिए बिकने को भी तैयार नहीं हूं। बस OTT से मुझे यही समस्या है। वैसे भले ही जॉन अब्राहम खुद को बड़े पर्दे का हीरो कह रहे हो लेकिन उनकी पिछली 5 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई है। जॉन अब्राहम की रोमियो अकबर अल्टर, बाटला हाउस, पागलपंती, मुंबई सागा, सत्यमेव जयते 2 और अटैक लगातार फ्लॉप ही रही है और क्रिटिक्स का मिला जुला रिव्यू मिला है। वर्कफ्रंट की बात करें तो जॉन अब्राहम की अगली फिल्म एक विलन रिटर्न्स 29 मई को रिलीज होने जा रही है। मोहिसूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में जॉन के अलावा तारा सुतारिया, दिशा पटानी, आदित्य राय कपूर और अर्जुन कपूर भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा जॉन अब्राहम शाहरुख खान की फिल्म पठान में भी नजर आने वाले हैं।